हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पोसालिया कस्बे में सिरोही मुख्यालय आज 6 जनवरी बुधवार को दिव्यांग सेवा संस्था सिरोही द्वारा संचालित मन बुद्धि दिव्यांग एवं निराश्रित पुनर्वास आश्रम पाली के संस्थापक झालाराम देवासी ने सिरोही नगर परिषद के रैन बसेरा में रह रहे मन बुद्धि दिव्यांग को आज पाली आश्रम भेजा गया। नगर परिषद क्षेत्र में एक महीने पहले गंभीर हालत में मिला था अज्ञात मन बुद्धि, जिसका प्राथमिक उपचार करके रैन बसेरा में रखा गया। नगर परिषद चेयरमैन महेंद्र जी मेवाड़ा साहब ने संस्थापक झालाराम देवासी से संपर्क किया और उसे पाली में संस्था द्वारा संचालित मन बुद्धि आश्रम में भेजने का निवेदन किया गया। झालाराम देवासी नगर परिषद पहुंचकर मन बुद्धि दिव्यांग को पाली ले जाने के लिए रवाना हुए। चेयरमैन ने झालाराम देवासी का आभार प्रकट किया। दिव्यांग सेवा संस्था के संस्थापक देवासी ने प्रदेश वासियों को मन बुद्धि दिव्यांग जनों एवं निराश्रित जनों के सेवार्थ हेतु आगे आने का आह्वान किया एवं सभी नगर परिषद जन प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे। साथियों, जय श्री कृष्ण। आज सिरोही, जो देवनगरी कहा जाता है, उस देवनगरी के सम्मानीय नगर परिषद चेयरमैन मेवाड़ा साहब और इनकी पूरी टीम और सिरोही की जनता, वैसे दया धर्म और सेवार्थ के प्रति जिनके भाव हमेशा अटल रहते हैं। साथियों, ये एक निराश्रित मंदबुद्धि है, इसी ये कहीं ना कहीं किसी रोड पे अज्ञात तरीके से मिला। हाथ भी इसका फ्रैक्चर था। सामान्य चेयरमैन साहब और इनकी पूरी टीम ने मिलकर इसका हाथ का ऑपरेशन वगैरह, ये पट्टा वगैरह करवाया और लगभग महीने डेढ़ महीने से ये रैन बसेरा में रहता है। लेकिन साथियों, मंदबुद्धि है, इनके अनुकूल सारी व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, इसलिए कहीं ना कहीं रैन बसेरा में इनकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे। तो हमें सूचना मिली चेयरमैन साहब के जरिए कि इस बच्चे को कहीं ना कहीं ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए। साथियों, आपको भलीभांति पता है कि यही सिरोही की संस्थान, दिव्यांग सेवा संस्थान, पूरे प्रदेश में दिव्यांगों के लिए जीवन आधार बनी हुई है। पाली के हाउसिंग बोर्ड में हमने इस दिव्यांगों की सेवार्थ का हमने जन सहयोग से बीड़ा उठाया है, बिना सरकारी किसी अनुदान से। जागरूक टीवी के लिए पोसालिया से कल्पना मालिक की रिपोर्ट।